नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, मौत का खेल पार्ट फोर। रात होने तक मैं स्वयं को काफी नियंत्रित कर चुका था और भयंकर से भयंकर स्थिति से दो चार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैं सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और शांता मेम साहब के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपने क्वार्टर का दरवाजा भीतर से बंद नहीं किया था। रात को लगभग 12:30 बजे एक कश्मीरी गाउन में लिपटी हुई शांता बिना दरवाजा खटखटाए मेरी क्वार्टर में प्रविष्ट हुई। भीतर आकर उसने द्वार भिड़का दिया। मैंने सिगरेट एश ट्रे में झोंक दिया और उठकर खड़ा हो गया। वह चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक सरसरी निगाह से मुझे सिर से पांव तक देखा और फिर भावहीन स्वर में बोली, बैठो। थैंक यू मैडम, मैं बोला और पलंग के सिरे पर बैठ गया। शांता की पैनी निगाह मेरे चेहरे को टटोल रही थी और मैं भारी असुविधा का अनुभव करता हुआ पहलू बदल रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे शांता मुझे देख नहीं रही थी, बल्कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखे किसी कीड़े का परीक्षण कर रही थी। सोच रही हूँ, अंत में वह धीरे से बोली, जब तुम सरदार थे तब भी क्या इतने ही खूबसूरत लगते थे? मैं चौंका नहीं, केवल भयभीत हो गया। सारा दिन इसी बात को सोचते गुजर गया था, इसलिए मैं किसी भी झटके के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो गया था। मैं आपकी बात नहीं समझा, प्रत्यक्षता में उलझनपूर्ण स्वर में बोला। नादान मत बनो सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, मैं तुम्हारी हकीकत जानती हूँ, अब मुझसे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं किसी सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल को नहीं जानता। यानी कि तुम अपने आप को नहीं जानते? मेरा नाम वो नहीं है जो आप बता रही हैं, मेरा नाम विमल कुमार खन्ना है। नाम बदल लेने से आदमी नहीं बदल जाता मिस्टर, शांता कर्कश स्वर में बोली, और यह मत समझो कि मैंने तुम्हें अब पहचाना है। मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुम विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर उस गुजराती से 2 रुपए का सौदा कर रहे थे। अब मैं वाकई चौंका। नहीं, मैं अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला, मुझ पर अविश्वास मत जाहिर करो, बल्कि मुझसे यह पूछो कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, क्योंकि मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम इलाहाबाद में एरिक जॉनसन एंड कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे। कैसे, मेरे मुंह से निकला, तुम्हारी पत्नी सुरजीत मेरी सहेली थी। मैं कई बार इलाहाबाद में तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन तुम तो अपनी न विवाहित पत्नी पर इस कदर फिदा थे कि तुम्हें किसी दूसरी लड़की की ओर आँख उठाकर देखने की फुर्सत नहीं थी। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। देखा भी होता तो शायद अब पहचानते नहीं, क्योंकि तब मैं एक मामूली लड़की थी और अब मैं 1 करोड़पति की पत्नी हूँ। मैं चुप रहा। उसने अपने गाउन में से अखबार की एक कटिंग निकाली और उसे खोलकर मेरे सामने फैला दिया। उस कटिंग में 3-3 की कतार में 12 आदमियों की तस्वीरें छपी हुई थी। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फरार। सब तस्वीरों के नीचे नाम छपे हुए थे। उनमें से एक तस्वीर एक नौजवान सिख की थी, जिसके नीचे जो नाम लिखा हुआ था वह था सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। नीचे समाचार छपा था। समाचार पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैं वह समाचार पहले भी देख पढ़ चुका था। मुझे मालूम था उसमें क्या लिखा था। मैंने कटिंग को लपेटकर लापरवाही से शांता की गोद में डाल दिया। मिस्टर विमल कुमार खन्ना, शांता एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली, तुम इलाहाबाद की सेंट्रल जेल से फरार मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हो। तुमने एरिक जॉनसन में अपनी नौकरी के दौरान 50,000 रुपये का गबन किया था। तुम पकड़े गए थे, तुम पर मुकदमा चला था और तुम्हें 2 साल की सजा हुई थी। 1.5 साल पहले जब तुम्हारी सजा के 4 महीने बाकी रह गए थे तो तुम जेल से भाग निकले थे। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम जेल से भागने में सफल कैसे हो गए थे। हाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को बिजली के शॉर्ट सर्किट से जेल में भयंकर आग लग गई थी। आग से मची आपाधापी के दौरान कई कैदियों को भाग निकलने का मौका मिल गया था। अन्य कैदियों के साथ बिना सोचे समझे मैं भी भाग निकला था। बाद में कई कैदी फिर पकड़े गए थे, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि मैंने अपनी दाढ़ी मूछें और सिर के बाल कटवा लिए थे और मैं इलाहाबाद से बहुत दूर निकल आया था। आज अगर पुलिस को मालूम हो जाए कि उनका फरार मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल दाढ़ी मूछ व केश कटाकर विमल कुमार खन्ना बन गया है और इस समय
गोकुल दास स्टेट में नौकरी कर रहा है तो तुम पलक झपकते ही जेल के सीखचों के पीछे दिखाई देने लगोगे। मैं चुप रहा। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। और अगर तुम फौरन यहाँ से भाग खड़े होने के बारे में सोच रहे हो तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम अब तक इसलिए पकड़े नहीं गए हो क्योंकि तुमने अपना हुलिया बदल लिया है। एक बार पुलिस को तुम्हारी नई सूरत की जानकारी होने की देर है कि तुम फौरन धर लिए जाओगे। मैं हैरानी से शांता का मुंह देखने लगा। मैं वाकई गोकुलदास स्टेट से बल्कि मुंबई से फौरन निकल भागने के बारे में सोच रहा था। अब मिस्टर, तुमने अभी फौरन यह फैसला करना है कि तुम वापस जेल जाना चाहते हो या लखपति बनकर ठाट की जिंदगी गुजारना चाहते हो, शांता बोली। उसके स्वर में धमकी का स्पष्ट पुट था। मैडम, मैं अपने स्वर को भरसक संतुलित रखने का प्रयत्न करता हुआ बोला, अगर मैंने किसी की हत्या करके ही आज़ादी हासिल करनी है तो मैं उस असहाय वृद्ध की हत्या करने के स्थान पर आप जैसी क्रूर और कमीनी औरत का गला क्यों ना दबा दूं? जैसे मेरा गला दबाने की हिम्मत और ताकत तुम्हारे में है, शांता उपहासपूर्ण स्वर में बोली, वैसे भी मेरी हत्या करके जरूर जरूर फांसी पर लटक जाओगे, लेकिन सर गोकुलदास को दो मजबूत झटके देने से ही उनके प्राण निकल जाएंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी कि उनकी हत्या की गई थी। आज जैसे तुम उनको उठाते समय लड़खड़ाकर संभल गए थे, एक दिन ऐसे ही लड़खड़ाने के बाद मत संभलना। कहानी खत्म। मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं सर गोकुलदास की आधी संपत्ति की स्वामिनी बन जाऊंगी और तुम भी लखपति बन जाओगे। और फिर आगे भी तो तुम्हारा मेरा संपर्क बना रहेगा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी और उस एहसान के बदले में पता नहीं कब मैं तुम पर कितनी मेहरबान हो जाऊं। आपने यह काम बॉस्को से क्यों नहीं करवाया? बॉस्को को भी आप ही ढूंढ कर लाई थी? हाँ, मैंने उससे भी यही बात की थी, लेकिन बॉस्को गधा था। उसके भेजे में धेले की अकल नहीं थी। उसने ऐसे बेहूदे ढंग से सर गोकुलदास को हैंडल किया था कि अंधे को भी पता लग जाता कि जो कुछ वह कर रहा था जानबूझकर कर रहा था। उसे एक मौका मिला था और उस बार नर्स एलिस की तत्परता से सर गोकुलदास जमीन पर गिरने से बच गए थे। शाम तक उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह तो गनीमत थी कि नर्स एलिस को यह नहीं सूझा कि बॉस्को सर गोकुलदास को जानबूझकर गिराने की कोशिश कर रहा था। उसने बॉस्को के एक्शन को उसकी मूर्खता और लापरवाही समझा। लेकिन तुम समझदार हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, खास तौर से अब जबकि तुम जानते हो कि तुम मेरी बात ना मानने की स्थिति में नहीं हो। बॉस्को को भी अपने उस ख्वाब की कहानी सुनाई थी जो आपने पिछली रात मुझे सुनाई थी? हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह उसे मेरी ख्वाब की कहानी पर संदेह नहीं हुआ था, उसको पूरा विश्वास था। तुम्हारी तरह मुझे उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि अगर वह सर गोकुलदास को उठाते समय उन्हें अपने हाथों से फिसल जाने देगा तो वह उन्हें उस नरकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर उन पर एहसान करेगा। मैंने तो उसे केवल यह बताया था कि सर गोकुलदास की वसीयत के अनुसार उनकी मौत के बाद उनकी स्टेट के हर कर्मचारी को 50,000 रुपये मिलेंगे। 50,000 रुपयों का नाम सुनते ही उसने खुद ही मेरा सपना सच करने का फैसला कर लिया था। लेकिन मुझे उससे इतनी जल्दी और इतने बेहुदे ढंग से काम करने की उम्मीद नहीं थी। उसने तो जरा भी इंतज़ार नहीं किया था। उसने तो अगले ही दिन सर गोकुलदास को जमीन पर गिरा देने की कोशिश की थी। नर्स एलिस की वजह से सर गोकुलदास को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टे डॉक्टर कश्यप के कहने पर मुझे बॉस्को को फौरन नौकरी से निकाल देना पड़ा। शांता एक क्षण रुकी और फिर बोली, उस रोज मैं वीटी स्टेशन पर अपनी एक सहेली को सी ऑफ करने गई थी। संयोगवश ही मेरी तुम पर निगाह पड़ गई थी और मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया था कि तुम मेरे काम के आदमी सिद्ध हो सकते हो। तुम पढ़े लिखे हो, सूरत से शरीफ लगते हो, ना कि बॉस्को जैसे मवाली। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ जल्दी ही सबका विश्वास जीत लोगे और फिर जब कोई गड़बड़ होगी तो किसी को ख्वाब में भी नहीं सूझेगा कि वह गड़बड़ जानबूझकर की गई थी। मैंने मन से एक स्कीम बना ली थी और उसके अनुसार स्टेशन से ही मैं तुम्हारे पीछे लग गई थी। जिस रेस्टोरेंट में तुमने खाना खाया था उसके टेलीफोन बूथ में मैंने जानबूझकर अपना बैग छोड़ दिया था। मुझे पूरा विश्वास था कि अपनी मुफलिसी की हालत में बैग में मौजूद 10,000 रुपये के नोटों का लालच तुम पर जरूर हावी हो जाएगा, विशेष रूप से तब जबकि तुम पहले भी
एरिक जॉनसन से 50,000 रुपये का गबन कर चुके हो। और मुझे केवल चिंता थी तो इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम यह बात नोट ही ना करो कि जब मैं टेलीफोन बूथ में घुसी थी तो मेरे पास हैंडबैग था, और जब मैं वहाँ से निकली थी तो बैग मेरे पास नहीं था, और यह जबकि यही बात होटल में मौजूद कोई दूसरा आदमी नोट करके तुमसे पहले टेलीफोन बूथ में घुस जाए। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कोई गड़बड़ ना हुई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम्हें यहाँ पर नौकरी पर रख लिए जाने तक मेरी स्कीम में कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन पिछली रात के तुम्हारे रवैये ने मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। आपने पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम नौजवान हो, जेल जाने के बाद से पता नहीं कब से किसी औरत के संसर्ग में नहीं आए हो। तुम फुटपाथ की ज़िंदगी जी रहे थे और लंबे लंबे फाके काट रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि 1 लाख रुपये की रकम का लालच ही तुम्हें मेरा काम करने के लिए तैयार कर देगा। मैंने सुना था कि जो आदमी एक बार अपराध कर चुका हो वह दोबारा अपराध करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। आपने शायद ठीक सुना है, लेकिन यह बात मुझ पर इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि मैंने एक बार भी अपराध नहीं किया है। क्या तुम 50,000 रुपये के उस गबन को कोई अपराध नहीं कहते जिसकी वजह से तुम्हें 2 साल की जेल की सजा हुई? मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं आपको अपनी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं वाहेगुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने गबन नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था। झूठ! अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे ज़िंदगी में दोबारा वाहेगुरु की टेहरी पर मत्था टेकना नसीब ना हो। शांता हैरानी से मेरा मुंह देखने लगी। तो फिर तुम निर्दोष कैसे फंस गए? उसने पूछा। कहानी बहुत लंबी है, मैं दुखी स्वर में बोला। मोटे तौर पर इतना जान लीजिए कि उन दिनों मुझे यह दुनिया बहुत खूबसूरत लगती थी और इसमें बसा हर आदमी मुझे देवता मालूम होता था। मैं हर आदमी को तब तक भला आदमी समझता था जब तक कि वह अपने आप को बुरा आदमी साबित ना करते। मैडम, मैंने अपने बुरे दिन इसलिए नहीं देखे क्योंकि मैं बहुत भला था। मेरी पत्नी सुरजीत कौर, जिसे मैं संसार की सबसे अच्छी औरत मानता था और ग्रंथ साहिब के बाद जिसकी मैं सबसे ज़्यादा पूजा करता था, एरिक जॉनसन के मैनेजर डोगरा से प्यार करती थी। मेरा मैनेजर मेरे घर आता रहा, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी पर डोरे डालता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। फिर मैनेजर ने ही मुझे गबन के केस में फंसा दिया। मैंने पुकार पुकार कर कहा कि मैंने गबन नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ट्रेजेडी यही थी कि मेरी बीवी ने भी अपनी शहादत में पुलिस को बताया कि उस रात को उसने मेरे पास 100-100 की नोटों की गड्डियां देखी थी, और उसके उस रुपए के बारे में पूछने पर मैंने उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। नतीजा यह हुआ कि मुझे 50,000 रुपये के गबन के इल्जाम में 2 साल की सजा हो गई। मैं कुछ क्षण चुप रहा। पिछले 3 सालों का जीवन चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर उभर आया। और कुछ क्षण जब मेरी सजा के 4 महीने बाकी रह गए थे, कुछ क्षण बाद मैं फिर बोला, तो जेल में आग लग जाने की घटना घटी। कैदियों को जेल से भाग निकलने का मौका मिल गया और कैदी भाग रहे थे, इसलिए जेल से मैं भी भाग खड़ा हुआ। एक बार आज़ाद हो गया तो अपने आप को पुलिस की निगाहों से दूर रखने का मुझे यही कारगर तरीका सूझा कि मैं दाढ़ी मूंछ और केश मुंडा दूँ और इलाहाबाद से बहुत दूर निकल जाऊँ। मैंने ऐसा ही किया और तभी से मेरा जेल की ज़िंदगी से भी ज़्यादा कठिन ज़िंदगी का दौर आरंभ हो गया। मैं BCom LLB हूँ, लेकिन अपने आप को शिक्षित सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षित तो सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था, विमल कुमार खन्ना नहीं। विमल कुमार खन्ना अपने आप को शिक्षित सिद्ध करने के लिए कोई सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकता, इसलिए वह दर दर की ठोकरें खाता रहा। डाक खाने के सामने बैठकर 4-4 आने लेकर लोगों के मनी ऑर्डर फॉर्म भरने और चिट्ठियां लिखने से लेकर मुसाफिरों के लिए स्टैंडों पर भाग भाग कर टैक्सी लाने तक मैंने सैकड़ों काम किए हैं। लेकिन इसे मेरी शराफत का तकाजा कहिए या मेरी सिंगल सिलेंडर बॉडी की कमी कि भरपूर जानमारी के बाद भी मैं कभी 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं जुटा पाया। आपने नौकरी दी तो लगा कि अब वाहेगुरु को भी महसूस हो गया था कि मुझे बहुत सजा मिल चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। सुरजीत की तुम्हें कोई खबर नहीं? मेरे होठों पर विषादपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। क्या मालूम कहाँ है वह? मैं बोला,
कहीं एरिक जॉनसन के मैनेजर के साथ और गबन किए 50,000 रुपयों के साथ गुलछर्री उड़ा रही होगी। लेकिन मैडम, अब ना मुझे अपनी खूबसूरत बीवी का ख्याल आता है, ना मुझे उसकी बेवफाई पर अफसोस होता है। मुझ पर जो गुजरी है उसमें गलती दुनिया की नहीं, मेरी अपनी है। यह दुनिया सीधे और ईमानदार आदमी के काबिल नहीं है। यह दुनिया उन लोगों के काबिल है जो हर वक्त उन्हीं लोगों का गला काटने की फिराक में रहते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। आज की दुनिया में अगर कोई आपसे गले मिलता है तो वह आप पर अपना प्यार नहीं जता रहा होता, बल्कि आपकी पीठ में ऐसा मुनासिब स्थान टटोल रहा होता है जहाँ छुरा आसानी से खोपा जा सके। जमाने की ठोकरों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मैडम। अब मेरे सिद्धांत वे नहीं हैं जो कि कभी थे। अब मैं हर आदमी को तब तक चोर समझता हूँ जब तक कि वह अपने आप को ईमानदार साबित न कर दे। अब मुझे दुनिया की हर औरत हरजाई और बेवफा लगती है। मैं चुप हो गया। शांता भी चुप थी। फिर एकाएक वह बहुत थोड़ी विचलित दिखाई देने लगी। कई क्षण हम दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता उभरने लगी। मैंने तुम्हारी जीवन कथा सुन ली, वह कठोर स्वर में बोली। अब तुम मेरी बात का जवाब दो, मेरा काम करोगे या जेल जाओगे? आप अपने इरादे से बाज नहीं आ सकती मैडम, मैं अनुनयपूर्ण स्वर में बोला। बड़े साहब वैसे ही किसी भी क्षण प्राण त्याग सकते हैं, आप उनके खून का पाप अपने सिर क्यों लेती हैं? जहां आपने इतनी देर उनकी मौत का इंतजार किया है, थोड़ी देर और सही। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, वह उफनते स्वर में बोली। मैं पिछले 4 साल से उस अपाहिज की कैद में सड़ रही हूँ। पिछले 4 सालों का हर क्षण मैंने उसकी मौत के इंतजार में गुजारा है। मुझे बूढ़ा अपने आप यह दुनिया छोड़ता दिखाई नहीं देता। मुझे लग रहा है कि अगर उसे इस दुनिया से धक्का नहीं दिया गया तो वह अगले 50 साल में भी यहाँ से नहीं हिलने वाला। 50 साल बाद मेरी निगाहों में उसकी दौलत की कीमत मिट्टी के ठीकरों जितनी भी नहीं रहेगी। और तुम मुझे उपदेश मत दो मिस्टर, तुम मेरे सवाल का दो टूक जवाब दो, तुम मेरा काम करोगे या नहीं? नहीं करूँगा, मैं शांत स्वर में बोला। शांता का मुँह खुला रह गया। वह हैरानी से मेरा मुँह देखने लगी। शायद उसे मुझसे ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। क्या? वह हड़बड़ाकर बोली, क्या कहा तुमने? मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, मैं पूर्वता शांत स्वर में बोला। अब मैं उसे आप नहीं तुम कह रहा था, क्योंकि लेडी शांता गोकुलदास तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ब्लैकमेल का जो हथियार तुमने मेरे खिलाफ उठाया है वह उतना मजबूत नहीं है जितना कि तुम समझ रही हो। मैं उस निरीह वृद्ध के खून से हाथ रंग कर लाख रुपया कमाने के मुकाबले में जेल जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैडम सच पूछो तो मैंने जेल से भागकर ही गलती की थी। मेरी सजा के केवल 4 महीने बाकी रह गए थे और पेशेवर मुजरिमों की देखा देखी झोंक में आकर मैं जेल से निकल भागा था, जो कि मेरी भारी गलती थी। जेल से भागने के स्थान पर मैं बाकी के 4 महीने जेल में काट लेता तो शायद मैं समाज में फिर से अपना स्थान बनाने में सफल हो जाता। शायद मैं लोगों को विश्वास दिलाने में सफल हो जाता कि मैं बेगुनाह था। लेकिन जेल से भागकर मैं घर का रहा न घाट का। मैडम मेरी सिर्फ 4 महीने की सजा बाकी थी, अब अगर मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी तो वे लोग मुझे फांसी पर नहीं लटका देंगे। मुझे 4 महीने के बदले में जेल से भागने के इल्ज़ाम में 8 महीने की सजा हो जाएगी, 2 साल की सजा हो जाएगी। मैं वह सजा काट लूँगा। जिंदगी बहुत लंबी है मैडम, जिंदगी भर एक अपाहिज वृद्ध के खून का बोझ अपनी अंतर आत्मा पर ढोने के स्थान पर मैं जेल में 2 साल काट लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन तुम मुझे जेल भी नहीं भिजवा सकती, अगर तुम ऐसा कोई कदम उठाओगी तो तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। मेरी क्या दुर्गति होगी? मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम मुझसे अपने पति की हत्या करवाना चाहती हो ताकि तुम्हारा उस अपाहिज से पीछा छूट सके और तुम उसकी लाखों की जायदाद की मालिक बन सको, और लोग तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगे, वह उपहासपूर्ण स्वर में बोली। जब मैं ढेर सारा नमक मिर्च लगाकर अपनी बात कहूँगा तो लोगों को मेरा विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। जब तुम इलाहाबाद में रहती थी तब भी मेरा तुमसे अवैध संबंध था, लेकिन अब क्योंकि तुम मुझसे छुप छुप कर मिलने से तंग आ चुकी हो और तुम्हें उस बेशुमार दौलत का लालच भी सता रहा है जिस तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंच सकते,
जब तक कि सर गोकुलदास इस दुनिया से कूच न कर जाए। और मैडम, तुम्हारी जानकारी के लिए, कल रात को मार्था ने हम दोनों को पेड़ों के झुरमुट से निकलकर कोठी की ओर आते देखा था। मार्था को मालूम है कि कल आधी रात के बाद तुम मेरे क्वार्टर में आई थी। अकेली मार्था का बयान ही यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी होगा कि तुम्हारा मुझसे अवैध संबंध है। हो सकता है आज भी उसने तुम्हें मेरे क्वार्टर की ओर आते देखा हो और वह अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के पीछे नर्स एलिस के या घर के किसी और नौकर के साथ बैठी तुम्हारी लौटने की प्रतीक्षा कर रही हो, ताकि और लोगों को भी सर गोकुलदास जैसे असहाय आदमी की बदकार पत्नी की करतूतों की जानकारी हो सके। शांता पत्थर का बुत बनी उसके सामने बैठी रही। उसका चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो गया था। और यह तमाम बात मैं सर गोकुलदास को भी बता सकता हूँ। वे बोल नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते, इसलिए लिख नहीं सकते। लेकिन मुमकिन है कि वो कोई ऐसी तरकीब निकाल लें जिससे वे नई वसीयत तैयार कराकर तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दें तथा चरित्रहीनता का आरोप लगाकर तुम्हें तलाक ही दे दें। लेडी शांता गोकुलदास, तुम मुझे क्या खाक ब्लैकमेल करोगी? उल्टे मैं चाहूँ तो तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ। तुमने मेरे बारे में जुबान खोली तो मैं तुम्हारा पूरा बेड़ा गर्क करके यहाँ से जाऊँगा। लेकिन अगर तुम चुप रहोगी तो मैं चुप रहूँगा। क्या ख्याल है, सौदा मंजूर है? बड़े कमीने आदमी हो, वह सांप की तरह फुफकारती हुई बोली। तुमसे कम कमीना हूँ लेडी शांता गोकुलदास, मैं सिर नवाकर आदरपूर्ण स्वर में बोला। वह सामने बैठी कहर भरी निगाहों से मुझे घूरती रही। मैडम, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं जिंदगी में एक औरत से भारी धोखा खा चुका हूँ। यदि मैं फिर किसी औरत से धोखा खा जाऊँ तो लानत है मुझ पर। शांता अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। एक बात और सुनती जाओ, मैं बोला। उसने खा जाने वाली निगाहों से मेरी ओर देखा। मुझे नौकरी से निकालने की इच्छा हो तो कोई बड़ा ठोस बहाना तलाश करना, छोटा मोटा आरोप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हर कोई मेरे काम से संतुष्ट है। मुझे खामखा नौकरी से जवाब दोगी तो लोग तुम पर शक करने लगेंगे, और वैसे भी मेरी जगह जो तीसरा आदमी आएगा वह बेहद शक की निगाहों से देखा जाएगा। पहले तुम बॉस्को को लाई तो उसके हाथ से सर गोकुलदास गिरते गिरते बचे, फिर तुम मुझे लाई तो मेरे द्वारा भी वैसी दुर्घटना होते होते बची। तीसरे आदमी की वजह से ऐसी कोई दुर्घटना स्वाभाविक रूप से भी होगी तो भारी शक की निगाह से देखी जाएगी। इसलिए तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा है कि तुम रोज मंदिर में घंटियां बजाकर भगवान से प्रार्थना करो कि वह सर गोकुलदास को जल्दी से जल्दी अपने पास बुला ले। अब अपनी ओर से उन्हें जबरदस्ती भगवान के पास भेजने की कोशिश करने का ख्याल छोड़ दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। शांता मुंह से कुछ नहीं बोली। उसने एक आखिरी कहर भरी निगाह मुझ पर डाली और फिर एकदम घूमकर दन दनाती हुई मेरे क्वार्टर से बाहर निकल गई। अगले दिन लगभग 11 बजे जबकि सर गोकुलदास ब्रेकफास्ट के बाद पलंग पर लेटे आराम कर रहे थे, शांता ने मुझसे कार निकालकर लाने के लिए कहा। मैं गैरेज से शांता की पसंदीदा ऑस्टिन कार निकालकर लाया और उसे लाकर पोर्टिको में खड़ा कर दिया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और पोर्टिको के खंभे के साथ लगकर खड़ा हो गया। शायद शांता मुझे कार ड्राइव करने के लिए कहे। सुबह से लेकर तब तक मेरा मार्था से कई बार सामना हो चुका था, लेकिन हर बार वह मेरे साथ बड़े स्वाभाविक ढंग से पेश आई थी। उसके किसी एक्शन से ऐसा नहीं मालूम होता था जैसे पिछली रात भी उसने शांता को मेरे क्वार्टर में आते देखा हो। पिछली बार के वार्तालाप से मेरी मार्था से इतनी घनिष्ठता पैदा हो चुकी थी कि अगर पिछली रात कुछ देखा होता तो वह मुझसे सवाल जरूर करती। उसी समय शांता कोठी से बाहर निकली। वह एक सादी सी साड़ी पहने थी और आंखों पर बड़े बड़े शीशों वाला धूप का चश्मा लगाई थी। वह बिना मुझसे आंख मिलाए कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। बड़ी दक्षता से उसने कार स्टार्ट की, गियर बदला और फिर कार को ड्राइव वे पर मोड़ दिया। मैं कुछ क्षण स्थिति से उदासीन वहीं खड़ा रहा। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सिगरेट फेंक दिया और तेजी से अपने क्वार्टर की ओर लपका। गैरेजों के पास पहुंचकर मैंने जल्दी से वह गैरेज खोला जिसमें इम्पाला खड़ी रहती थी। मैंने इम्पाला को गैरेज से बाहर निकालकर बड़ी फुर्ती से गैरेज को बंद किया और वापस इम्पाला में आ बैठा। मैंने इम्पाला को कोठी से बाहर की ओर चला दिया। चारों कारों की चाबियां मेरे अधिकार में रहती थी, लेकिन मुझसे बिना किसी से पूछे कार इस्तेमाल करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी।
लेकिन आज थोड़ी मनमानी कर लेने में ही मुझे अपना हित दिखाई देता था। मुझे भय था कि पिछली रात की गर्मा गर्मी के बाद शांता कहीं मेरे बारे में पुलिस को सूचना देने पुलिस स्टेशन न पहुंच जाए, इसलिए आज मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया था। शीघ्र ही मुझे सड़क पर ट्रैफिक में शांता की ऑस्टिन दिखाई पड़ी। मैं सावधानी से शांता का पीछा करने लगा। शांता माहिम काजवे की ओर बढ़ रही थी। मुझे तसल्ली हो गई, शांता पुलिस स्टेशन नहीं जा रही थी। अगर उसे पुलिस स्टेशन जाना होता तो वह सांता क्रूज, अंधेरी, बांद्रा वगैरह किसी भी इलाके के पुलिस स्टेशन पर जा सकती थी। मैं उत्सुकतावश उसका पीछा करता रहा। माहिम गया, माटुंगा गया, दादर गया और फिर वह जैकब सर्कल के इलाके में पहुंच गई। फिर एकाएक कार को उसने महालक्ष्मी के पुल की ओर मोड़ दिया। महालक्ष्मी पुल के समीप एक स्थान पर उसने कार रोक दी और बाहर निकल आई। मैंने अपनी कार उससे काफ़ी दूर सड़क से एक किनारे पर रोक दी। मैं कार से बाहर नहीं निकला। ड्राइविंग सीट पर बैठा मैं उसकी एक एक गतिविधि नोट करता रहा। शांता महालक्ष्मी पुल के पास धोबी लेन के झोपड़पट्टे के समीप पहुंची। मोड़ पर एक 10-12 साल का एक लड़का खड़ा था। शांता ने उस लड़के को अपनी पर्स से निकालकर एक सिक्का दिया और उससे कुछ कहा। लड़के ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और झोपड़ियों की कतार में आगे बढ़ चला। थोड़ी देर बाद मुझे शांता की ओर बढ़ता हुआ बॉस्को दिखाई दिया। बॉस्को पर दृष्टि पड़ते ही शांता वापस घूमी और अपनी कार की ओर बढ़ चली। बॉस्को अपने और उसमें फासला बनाए उसके पीछे चलता रहा। शांता अपनी कार में आ बैठी। बॉस्को कार के समीप पहुंचा। शांता के संकेत पर वह कार के फ्रंट से घूमकर दूसरी ओर पहुंचा और कार का दरवाजा खोलकर कार में शांता की बगल में बैठ गया। शांता ने कार स्टार्ट करने का उपक्रम नहीं किया। प्रत्यक्षता वे बातें कर रहे थे। मुझे बॉस्को थोड़ी थोड़ी देर बाद हाँ या ना में सिर हिलाता दिखाई दे जाता था। लगभग 10 मिनट बाद बॉस्को कार से बाहर निकला। उसने शांता का अभिवादन किया और वापस झोपड़पट्टे की ओर बढ़ गया। शांता ने कार स्टार्ट की। वह उसे सावधानी से पैक करने लगी। मेरी कार उससे दूर ऐसे स्थान पर खड़ी थी जिसकी दाईं ओर एक संकरी सी सड़क थी। मैंने कार स्टार्ट की और उसे फौरन उस सड़क पर मोड़ दिया। शांता अभी कार पैक कर ही रही थी कि मैं वापस जुहू की ओर उड़ा जा रहा था। शांता का बॉस्को से संपर्क स्थापित करना मुझे भारी खतरे का संकेत दे रहा था, लेकिन खतरा मेरी समझ से बाहर था। मैं वापस गोकुलदास स्ट्रीट पहुंच गया। मैंने कार को गैरेज में बंद कर दिया और अपने क्वार्टर में चला गया। लगभग 10 मिनट बाद मुझे शांता की कार स्ट्रीट के द्वार से भीतर प्रविष्ट होती दिखाई। मैं कार को गैरेज में ले जाने के लिए शांता द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। शांता ने मुझे नहीं बुलाया। कार पोर्टिको में खड़ी रही। शाम को चाय के बाद लगभग 2 घंटे मैंने सर गोकुलदास को एक उपन्यास पढ़कर सुनाया। 8 बजे के करीब नर्स एलिस ने उन्हें उनका उचित भोजन दिया और फिर मैंने उन्हें व्हीलचेयर से पलंग पर ट्रांसफर कर दिया। लगभग 8:15 बजे मुझे शांता ने बुलाया। नर्स एलिस को कोलाबा जाना है, वह बोली। मेरी ऑस्टिन पोर्टिको में खड़ी है, तुम एलिस को उस पर कोलाबा छोड़ाओ। राइट मैडम, मैं शिष्ट स्वर में बोला। नर्स एलिस मेरे साथ होली। मैंने उसे कार में बिठाया और कोलाबा की ओर चल दिया। वापसी में मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मैडम, रास्ते में मैंने पूछा। तुम्हें वापसी में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, एलिस बोली। तुम मुझे कोलाबा छोड़कर वापस आ जाना, मैंने रात को वहीं रहना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह मैं खुद वापस आ जाऊँगी। ओह, मैं बोला, आपकी गैर हाजिरी में साहब की तीमारदारी कौन करता है मैडम? साधारणता मार्था करती है, लेकिन आज यह तकलीफ शांता मेम साहब को उठानी पड़ेगी। वजह? मैंने सशंक स्वर से पूछा। मार्था बीमार है, उसकी दाढ़ में दर्द है, मैंने उसे सिडेटिव दे दिया था, वह अपने कमरे में पड़ी सो रही होगी। मेरे कानों में घंटियां बजने लगी। यानी कि असहाय गोकुलदास स्टेट में शांता के साथ एकदम अकेला था और शांता दिन में बॉस्को के साथ बहुत घुट घुट कर बातें करके आई थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।